गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जामिनेशन गुरु पे। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक चलने वाला है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, ये हो जाएगा आपका सातवां वीडियो। ठीक है, ये सेवेंथ पार्ट होने वाला है और सिक्स पार्ट जो है आप देखिएगा तो वो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग। तो वो यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ। ठीक है, तो अगर आप वो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए, बहुत कॉन्सेप्टेबल है और आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसी बात पे आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ये जो सेशन होने वाला है अगर आपको अच्छा लगता है तो ये सेशन को भी लाइक कर दीजिए। आज का जो टारगेट है मैं रिड्यूस किया हूँ, कम किया हूँ, डिक्रीज किया हूँ, वो है 20 लाइक का। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि इस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होता है। तो आप अपने इंटरेस्ट को मेरे फॉर्म में लाइक के रूप में दिखा सकते हैं। इससे क्या होता है कि अंदर से एक मोटिवेशन जगता है ऐसे ऐसे वीडियो बनाने के लिए। तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। ठीक है, तो आज का जो मेरा पहला टॉपिक होने वाला है वो हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसके बारे में चलेगा। उसके बाद सेकंड टॉपिक हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, थर्ड टॉपिक जो है आज का वो हो जाएगा फराडेज एक्सपेरिमेंट, फराडेज का एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर बेसिकली देखिएगा तो तीन एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे है तीन एक्सपेरिमेंट। और ये जो फराडे एक्सपेरिमेंट है वो बेसिकली डिपेंड आपका किस पे कर रहा है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को ही बताएगा। तो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है वो इसके बारे में बताएगा। और जो नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा आई थिंक कल के वीडियो में हम लोग ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ इसके थ्रू वो कुछ प्रिंसिपल लाए थे जिसको लॉ में कन्वर्ट कर दिया गया, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए टॉपिक पे आते हैं टाइम को बिना वेस्ट किए हुए। तो आज का जो हम लोग फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और सेकंड टॉपिक होगा जो हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, लास्ट वीडियो जो हम लोग का था वो था वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, तो उसके बारे में पूरी डिटेल दिया हुआ है, आप आई बटन पे क्लिक करके उसका वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग, आज पहला जो टॉपिक होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये होता क्या चीज़ है। ठीक है, एक्चुअली ये है क्या, ये से होगा क्या। तो बात यहाँ पर ये है कि ये एक तरह का प्रोसेस है। ठीक है, एक तरह का क्या है, प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए हम लोग जान रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ेगा तो वहाँ से करंट बढ़ जाता है, तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फर्स्ट थ्योरी यहाँ पे दिया हुआ है, देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड अ क्वाइल। ठीक है, एक क्वाइल लिए हैं और उससे हम क्या किए, मैग्नेट को क्रॉस करवा रहे हैं। क्या करेंगे, मैग्नेट को क्रॉस करेंगे, एक क्वाइल होगा उसके बीच से मैग्नेट को क्रॉस करेंगे, देन अ करेंट इज इंड्यूस्ड इन द क्वाइल। तो क्या होगा, उस क्वाइल में करेंट बढ़ेगा, उस क्वाइल में क्या होगा, करेंट इंड्यूस होगा, बढ़ेगा ड्यू टू चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वाइल है, उससे अगर बार बार हम क्वाइल से मैग्नेट को मान लीजिए निकालेंगे या फिर बाहर करेंगे, उस प्रोसेस में क्या होगा कि हर बार मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, जिसके कारण क्या होगा, वहाँ पे करंट पास करेगा। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड आपका कॉइल से बार बार चेंज होकर जाएगा तो वहाँ से करंट इंड्यूस होता है। लेकिन बात यह है कि मान लीजिए करंट आपका एक कॉइल है, कॉइल से मैग्नेट को हम बार बार मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं कर रहे, मतलब हिला नहीं रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, करंट इंड्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, मान लीजिए ऐसे क्वाइल है तो मैग्नेट को बार बार ऐसे करके हिलाना है। ठीक है, उसके पोजीशन को चेंज करना है बार बार, इससे क्या होगा, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए यहाँ पर आया तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड से कॉन्टैक्ट में आया, थोड़ा दूर गया तो थोड़ा सा कम आया, तो इस चक्कर में क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है वहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं, एसोसिएटेड विथ इट द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस करेंट इज नोन एज EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे मान लीजिए क्वाइल में बार बार मैग्नेट को अंदर किए फिर बाहर निकालें, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, आपका मैग्नेटिक फील्ड क्वाइल पे चेंज होगा, जिसके कारण वहाँ पे क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, उस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसके बारे में बताए कौन थे,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फराडे। ठीक है, माइकल फराडे, इसके बारे में जो सबसे पहला वाला जो डिस्कवर किए थे वो थे आपके माइकल फराडे। और ये कब किए थे? 1930 ईस्वी में। ठीक है, 1930। तो EMI के बारे में जो बताने वाले साइंटिस्ट है वो माइकल फराडे हैं। वो ये बताए थे कि किसी भी क्वाइल में करंट तब इंड्यूस होता है जब उसके कांटेक्ट में कोई ऐसा चीज आए जिसमें क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, डैट इज मैग्नेट, या इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हम यहां पर ले सकते हैं। तो वैसे क्वाइल में करंट तभी पास करता है जब इसके पास से हम वैसे चीज को क्रॉस करवाएंगे जिसमें क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड हो। मैग्नेटिक फील्ड का कांटेक्ट इसमें बार बार अगर लाते हैं, चेंज करते हैं, तो उस पोजीशन में, उस क्वाइल में करंट पास करेगा। उस क्वाइल में क्या होगा, करंट पास करेगा, करंट इंड्यूस करेगा, बढ़ाएगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा आएगा पास में तो करंट बहुत बढ़ेगा, थोड़ा दूर जाएगा तो फिर क्या होगा, करंट घटेगा, लेकिन करंट तो इंड्यूस होगा उसमें। लेकिन एक कंडीशन ये होता है कि क्वाइल ऐसे है, यहां पे लाकर हम रोक दिए तो आप समझिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड तो कांटेक्ट में है लेकिन चेंज नहीं होने के कारण इस क्वाइल में करंट इंड्यूस होना बंद हो जाएगा, धीरे धीरे करंट उसमें पास करना रुक जाएगा। इसलिए बार बार इसको क्या करना होगा, मोशन में लाना होगा। जितना मोशन में होगा इसमें करंट उतना ज्यादा इंड्यूस करेगा। तो ये था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और 10th क्लास में इस ज्यादा आप लोग को जानने की जरूरत भी नहीं है, ये आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, हम लोग एक अभी लास्ट वीडियो में देखे थे मैग्नेटिक फोर्स हम लोग थंब से इंडिकेट करते थे, समथिंग कुछ उस टाइप का ही है आपका ये चीज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो होता क्या चीज है, इसके बारे में जानते हैं। द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल, मतलब दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स डेवलप हो रहा है उसको बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में आपका जो फोर्स डेवलप हो रहा है उसको बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब आता है कि ये चार्ज पार्टिकल होता क्या चीज है, चार्ज पार्टिकल होगा क्या। हम लोग चार्ज के बारे में दो चीज पढ़े हैं, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। ठीक है, यही ना होता है, किसी भी एटम में देखिएगा तो प्लस चार्ज भी है माइनस चार्ज भी है। प्लस चार्ज कहाँ से आया, प्रोटोन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव होता है। ठीक है, तो यहां पर देख लिए, अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है, अगर आपका दो अपोजिट चार्ज अगर मिलेगा, मतलब अनलाइक चार्ज को पास में लाएंगे तो यहां पे अट्रैक्शन होगा। ठीक है, क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और उसको बोलेंगे अट्रैक्टिव फोर्स बोलेंगे। अगर दो मान लीजिए लाइक चार्ज को पास में लाते हैं, जैसे प्लस प्लस, ठीक है, माइनस और माइनस, ठीक है, अगर प्लस प्लस साथ में लाएंगे तो यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स होगा, अगर माइनस माइनस साथ में लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका रिपल्सिव फोर्स, लेकिन अनलाइक चार्ज पास में लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो इसी चीज के बारे में यहाँ पे बोला गया है, आपका चार्ज पार्टिकल किसी भी एटम में भी देखिएगा तो वहां पे पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है, या किसी पार्टिकल्स में भी देखिएगा तो वहां पे आपका पॉजिटिव है और निगेटिव है। तो इसी को बोल रहा है यहाँ पर, द फोर्स कैन बी अट्रैक्ट और रिपल्सिव। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अनलाइक चार्ज होगा तो अट्रैक्शन फोर्स, लाइक चार्ज होगा तो रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं, नो मीडियम रिक्वायर्ड, इस प्रोसेस के लिए मीडियम का जरूरत नहीं है। इस प्रोसेस को अगर देखिएगा तो इस प्रोसेस में आपका मीडियम का जरूरत नहीं पड़ने वाला है। दैट मीन्स साउंड में हम लोग देखे थे कि वहां पे मीडियम चाहिए था, लाइट में कोई मीडियम का जरूरत नहीं था। सेम उस टाइप का आपका ये हो जाएगा, यहां पर भी मीडियम का जरूरत नहीं है। इसके बाद का पॉइंट है जो फोर्थ पॉइंट, EMF, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज 10^38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, आपका जो EMF जो है वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स से 10^38 टाइम्स ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेविटेशनल फोर्स। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, किसी भी मॉलिक्यूल्स में आपका बहुत सारा एटम्स होगा, और एटम में क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव होता है, तो वहां पे अट्रैक्शन होगा। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सेम चीज, किसी भी एटम का स्ट्रक्चर देख लीजिए,
वहां पे आपका न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, और उसके आउटर पार्ट पे देखिए, न्यूक्लियस के बाहर के पार्ट पे देखिएगा तो इलेक्ट्रॉन होगा, जिसके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। और न्यूक्लियस में एक चीज और होता है न्यूट्रॉन, जिसपे होता है नो चार्ज। न्यूट्रॉन कुछ बट बना है न्यूट्रल से, उसका मतलब होता है दे डोंट हैव एनी चार्ज, उस पर कोई तरह का चार्ज नहीं होता। लेकिन पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होगा, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो उसके कारण क्या होगा, ये स्ट्रक्चर स्टेबल होता है। ठीक है, अब आता है कि ये वर्ड से क्या मिल रहा है। ठीक है, ये बना होगा आपका कुछ इस तरह से बना होगा, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक, इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रो मीन्स हो जाता है आपका चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज एट रेस्ट, और मैग्नेटिक में हो जाएगा चार्ज एट मोशन, चार्ज एट मोशन। ठीक है, तो यहां से देखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स वैसा फोर्स होता है जिसमें चार्ज क्या हो, रेस्ट में हो, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स का होता है जहां पे चार्ज जो है मोशन में होगा, तो उसको बोल देंगे मैग्नेटिक फोर्स। और यही दोनों मिल जाता है तो बन जाता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये था आपका दो टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके बताइए, या फिर जो मीडियम मिला है उस मीडियम का यूज कीजिए। ठीक है, चलते हैं हम लोग। अब अगला टॉपिक जो होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक्सपेरिमेंट माइकल फ्राडे के थ्रू दिया गया था, तो हम लोग तीन एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि वहां पे कैसे कैसे आपका करंट इंड्यूस होता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये जो है हम लोग का अगला टॉपिक है फराडे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बेसिकली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो हो रहा था, जो प्रोसेस था, उसको दिखाने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो बेसिकली तीन एक्सपेरिमेंट है, तो अभी हम दो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे लिखे हैं, उसके बारे में पहले बता देते हैं। फराडे एक्सपेरिमेंट क्या चीज़ था, सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट किए थे, उसके बाद ऑब्जर्वेशन दिए थे, वहाँ से जो वो पाए उसको ऑब्जर्वेशन में वो मेंशन किए थे। सबसे पहले वो क्या चीज़ किए, एक कॉइल लिए, ये जो ब्लू सर्कल टाइप का दिख रहा है यहाँ पर आपका है गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है, ये क्लोज लूप बनाकर नीचे क्या किया गया, गैल्वेनोमीटर को अटैच किया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग बार मैग्नेट लिए हैं, क्या लिए हैं, वायर मैग्नेट। वायर मैग्नेट यहाँ पे देखिए दो आपको दिख रहा है, दो नहीं है, ये बेसिकली इसका मोशन दिखा रहा है। ठीक है, ये मैग्नेट को इससे मान लीजिए क्वाइल कुछ इस टाइप का है, ये मान लीजिए बार मैग्नेट है, क्वाइल कुछ इस टाइप का हुआ, ये बार मैग्नेट है, इससे ऐसे ऐसे इसके मोशन के बारे में दिखाया गया। तो यहाँ पर ये जो पहला है ये हम यहाँ से इंसर्ट किए, क्वाइल के अंदर इंसर्ट किए, तो देखें क्या चीज़ कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके कॉन्टैक्ट में आया, ये आपका नॉर्थ से साउथ की ओर इसका मोशन होगा, आउटसाइड इनसाइड होगा साउथ टू नॉर्थ। तो यहाँ पर देख लीजिए जब क्वाइल इसमें दिए, तो यहाँ पर जो इसका आपका जो गैल्वेनोमीटर का जो यहाँ पर मीटर लगा हुआ है उसमें देखिए जो निडल होता है यहाँ पर वो क्या किया, हिलना स्टार्ट किया, डिफ्लेक्शन हुआ। यहाँ पे दो चीज़ देख रहे होंगे, एक ब्लैक डॉटेड लाइन और एक ग्रीन डॉटेड लाइन। तो नॉर्मल जो ये जो आपका डार्क लाइन जो है ब्लैक वाला, वो नॉर्मल कंडीशन का बात था, लेकिन जैसे ही इसे मैग्नेटिक फील्ड आपका क्रॉस कॉन्टैक्ट में आया तो ये क्या हुआ, निडल क्या हुआ, डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट किया। इसका मतलब यहाँ पे दिखा रहा है कि करंट इसमें इंड्यूस हो रहा है, इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है। तो ब्लू यहाँ पर नहीं, सॉरी, यहाँ पे ग्रीन जो देख रहे हैं और ब्लैक डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये दिखा रहा है इसके डिफ्लेक्शन को। तो जब इससे हम लोग पास करवाएं तो यहाँ पे क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के कांटेक्ट में आया, फिर इसको और अंदर इंसर्ट किए तो यहाँ पे पहुँचा, तो यहाँ पर भी कांटेक्ट में आया, तो इसमें क्या हुआ, डिफ्लेक्शन देखने को मिला। तो यहाँ पर से ऑब्जर्वेशन जो इनका था, रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल टू इंड्यूस इलेक्ट्रिक करेंट इन द कॉइल। जब आपका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है वो कॉइल के कॉन्टैक्ट में आया, तो यहाँ से क्या हुआ, कॉइल में आपका करेंट इंड्यूस हो गया। ठीक है, तो ये था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। सेकंड एक्सपेरिमेंट देखते हैं, ये मैग्नेट पे था, अगला जो है वो हो जाएगा आपका सोलेनोइड से जो आपका मैग्नेट का जो बिहेवियर हो रहा है उसको बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो फैराडे एक्सपेरिमेंट नंबर टू,
यहां पर सेम वही स्ट्रक्चर है, सिर्फ मैग्नेट को रिप्लेस करके यहां पर लाया गया, बैटरी में सोलेनोइड को कनेक्ट किया गया, यहां पे करंट पास हुआ तो यहां से भी मैग्नेटिक फील्ड बना, तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा वर्क करेगा। सेम इसको भी यही प्रोसेस यहां पर भी किया गया है, यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेट को इसके कॉइल के अंदर इंसर्ट किए, फिर निकाले, फिर इंसर्ट किए, फिर निकाले, तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो आपका मैग्नेटिक फील्ड था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट का, वो कॉइल के कॉन्टैक्ट में आया, ठीक है, कॉइल के कॉन्टैक्ट में आया। अगेन सेम यहां पर आपका गैल्वेनोमीटर अटैच है, और इसका जो ब्लू लाइन देख रहे हैं यहां पर आप, ये आपका नॉर्मल कंडीशन है, और जो ग्रीन और ब्लैक है वो क्या हुआ, जब मैग्नेटिक फील्ड कांटेक्ट में आया था तो ये जो आपका निडल यहां पर है वो डिफ्लेक्शन देना स्टार्ट किया। मान लीजिए कि नॉर्मल कंडीशन ये था, ठीक है, और जब इससे करंट पास मैग्नेटिक फील्ड कांटेक्ट में आया तो वो कुछ इस टाइप से हुआ, फिर ऐसे हुआ, मतलब यहां पे कांटेक्ट में आया तो इसका डिफ्लेक्शन इधर गया, जब इधर से कांटेक्ट में आया तो इसका डिफ्लेक्शन इधर गया। तो यहां पर देखा गया गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा है, आपका करंट को डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है, करंट को डिटेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इस क्वाइल में करंट पास किया, इस क्वाइल में करंट पास किया। सेम ऐसा ही यहां पर भी, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड कांटेक्ट में आया था तो वहां पर आपका आपका जो गैल्वेनोमीटर का जो रीडिंग है वो डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट किया, जो यहाँ पे उसका आपका निडल है वो डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट किया, मतलब इसमें भी करंट पास किया, इसमें भी करंट क्या हुआ, बढ़ गया, पहले नहीं था, नॉर्मली नहीं था, लेकिन जब आपका मैग्नेटिक फील्ड कॉन्टैक्ट में आया तो ये क्या हुआ, करंट पास करने लगा। इसका मतलब फिर यहां से निकाले ऑब्जर्वेशन, रिलेटिव मोशन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड क्वाइल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करेंट इन द क्वाइल। सेम दोनों सेम चीज है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहां पर मैग्नेट था और यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है। तो ये आपका दो एक्सपेरिमेंट था, तीसरा एक्सपेरिमेंट भी हम लोग अब देखते हैं। तो हम लोग अब तीसरा एक्सपेरिमेंट देखेंगे, फराडे एक्सपेरिमेंट नंबर 3, ठीक है। इसमें अगर देखिएगा तो यहां पर देख लीजिए हम लोग क्या चीज किए, सेम जैसे आपका 2 था सेम 3 है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहां पर आपका दोनों पार्ट कनेक्टेड था, माइनस टर्मिनल और प्लस टर्मिनल दोनों आपका सोलेनोइड से कनेक्टेड था, लेकिन यहाँ पे माइनस टर्मिनल क्या किया गया है, कट किया गया है, मतलब इसमें जो आपका करंट पास कर रहा है वो करंट पास नहीं कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो करंट पास करने का कोशिश किया तो यहाँ पर क्लोज लूप नहीं होने के कारण करंट पास नहीं करेगा, क्योंकि हम जानते हैं पॉजिटिव से निगेटिव जाएगा तब करंट पास करता है, लेकिन यहाँ पर निगेटिव तो कट किया गया है, मतलब यहाँ पर कनेक्शन ऑफ किया गया है जिसके कारण इसमें करंट पास नहीं करेगा। जब आपका इस सोलेनोइड में करंट पास नहीं करेगा तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं करेगा, ठीक है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ये आपका सोलेनोइड डेवलप नहीं करेगा, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट का पार्ट ये नहीं रहा, अब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपका मैग्नेटिक फील्ड रहेगा ही नहीं तो कॉइल में कोई कांटेक्ट में आएगा नहीं मैग्नेटिक फील्ड। सेम इसी का जो इंसर्ट अंदर किए तो यहाँ पर भी देख लीजिए कनेक्टेड नहीं है, तो इस कॉइल में आपका कोई करंट, सोलेनोइड की बात कर रहे हैं, सोलेनोइड में देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं हुआ तो आपका क्वाइल में कोई तरह का मैग्नेटिक फील्ड जाएगा नहीं, जब वो जाएगा नहीं तो यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर है उसमें आपका कोई तरह का डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, कोई तरह का डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये आपका थर्ड एक्सपेरिमेंट था, पहला वाला में मैग्नेट इंसर्ट किए मैग्नेटिक फील्ड था, दूसरा वाला में आपका सोलेनोइड जो है दोनों पार्ट कनेक्टेड है प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस तो कनेक्टेड है माइनस कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों में फर्स्ट एंड सेकंड में आपका इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड हुआ था लेकिन यहाँ पर आपका इंड्यूस्ड नहीं हुआ, रीजन क्या था, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ ही नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें आपका करंट पास नहीं कर रहा था तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस नहीं हुआ, जिसके कारण जब इंड्यूस नहीं हुआ तो ये क्वाइल में भी कोई तरह का मैग्नेटिक फील्ड कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो गैल्वेनोमीटर में कोई तरह का रीडिंग नहीं देखा गया। क्वाइल में हम इंसर्ट किए, क्वाइल में क्या किए, इंसर्ट किए तो
तो उसमें तो मैग्नेटिक फील्ड था ही नहीं, इसमें तो इसके कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो यहाँ पर आपका आपका क्या हुआ, करंट इंड्यूस नहीं हुआ। तो यहाँ से निकला था ऑब्जर्वेशन, रिलेटिव मोशन इज नॉट एन एब्सोल्यूट रिक्वायर्ड फॉर इंड्यूसिंग करंट। यहाँ पर हम मोशन तो दे रहे थे, रिलेटिव मोशन दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, करंट इंड्यूस नहीं हुआ। तो ये था इनका 3 एक्सपेरिमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये 3 एक्सपेरिमेंट हम लोग जो देखे हैं, अब इसके बाद आपका होगा फराडे का लॉ आने वाला है, तो वो वीडियो आपका नेक्स्ट पार्ट में होने वाला है, ठीक है। तो आज हम लोग 2 पार्ट कवर किए, एक्चुअली 3 पार्ट कवर किए, फराडे का एक्सपेरिमेंट तीनों हो गया, फिर मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, उसके बाद था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो वो 3 पार्ट 4 पार्ट कवर हो गया है। तो कल का जो हो जाएगा हम लोग का टॉपिक, वो रहेगा आपका फराडे का लॉ, ठीक है। कुछ वो सिद्धांत लाए थे, प्रिंसिपल लाए थे, तो वो अपना एक लॉ बनाए थे ये सब एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है। उसके बारे में हम लोग कल देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के बीच में शेयर कीजिए। और आज का टारगेट हम कम कर दिए हैं लाइक का, कम से कम 20 लाइक तो होना ही चाहिए, ठीक है। कल का टारगेट हम 50 दिए थे जो कि नहीं पहुँच पाया, तो आज का 20 लाइक का टारगेट है, एटलीस्ट वो तो आप लोग कर ही सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आप भी अपने लाइक करके, लाइक में कोई तरह का आपको पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो लाइक वीडियो को कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने में भी कोई पैसा नहीं लग रहा है आपको, ठीक है। तो आपको करना क्या चीज़ है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग के पास पहुँच जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर कीजिए, अदरवाइज जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। तो आज के टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।